फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमेडी सर्कस। आज हम डीजे जॉनी सर का एक्टिविटी के बारे में इंटरव्यू लेंगे। सर, आपका एक्टिविटी करने के बाद क्या लुक रहता है? जी मोनिका, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम मेरा गार्डन का टाइम होता है और डेली एक्टिविटीज़ जो है मेरी काफ़ी हार्ड रहती है। दिन में 16 घंटा 20 घंटा मैं काम करता हूँ, 4 से 5 घंटे ही सो पाता हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है, सुबह 9 बजे से मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। 9 बजे जो भी व्हाट्सअप ये वो सब लोगों के मैं रिप्लाई करता हूँ। उसके बाद 10:30 बजे से 12 बजे तक मेरा गार्डन में टाइमिंग होता है, जहाँ पे मैं अपना फिटनेस वर्कआउट करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ और अभी मैं रैकेट्स खेलने जाऊँगा। उसके बाद में मेरा वर्किंग चालू होता है 1 से 2 बजे के बाद में, और उसके बाद मैं 6-7 बजे तक वर्किंग करता हूँ हेयर पैच के बारे में, और 7 बजे के बाद मेरा शूट चालू होता है जो कि 7 बजे से लेकर 10, 11, 12 बजे तक शूट चलते हैं। 12 बजे खाना खाने के बाद उसके बाद मेरा फिर एडिटिंग का प्रोग्राम चालू होता है जो कि काफ़ी लंबा रहता है, सुबह 4 बजे तक चलता है। 4 बजे जब मैं सोता हूँ, 4 से 8 या 9 ऐसे मैं सो पाता हूँ, उतनी नींद मुझे मिलती है। आफ्टर ऑल कुछ आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करनी है, सेवा करनी है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। ये शेड्यूल मेरा 1.5 साल से नॉन स्टॉप चल रहा है, जिसमें मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। ना ही मैं फैमिली को टाइम दे पाता हूँ और ना ही मैं किसी फ्रेंड को टाइम दे पाता हूँ। यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव्स भी बहुत परेशान हैं कि मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ। हाल ही में मेरे छोटे भाई को कोरोना हो गया था, लेकिन मैं उसे नहीं मिल पाया, मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाया क्योंकि एक्टिविटीज़ काफ़ी बिजी शेड्यूल था। सर, आपका जो फिटनेस का फंदा है यहीं तक है कि और कुछ भी है आपका फंडा? जी मोनिका, फिटनेस के लिए जो जैसा कि एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, सब डॉक्टर्स कहते हैं एक्सरसाइज करो, थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा सा फ्रेश एयर जो है, बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत मायने रखता है आपकी बॉडी के लिए, और आपकी एक्टिविटीज़ बहुत मायने रखती है। तो एक्सरसाइज तो मस्ट है, आप खाना खाइए नहीं खाइए, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हीट जनरेट होता है आपकी बॉडी में और वो हीट ही आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है। आपके जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी में, डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लीवर है और जो भी है, अगर आपकी बॉडी में हीट अच्छा है तो उनके फंक्शन भी अच्छे रहेंगे, वहाँ पे कुछ भी डिपॉजिट नहीं होगा। जैसे किडनीज़ में स्टोन डिपॉजिट होता है, तो हीट जिसकी बॉडी में हीट रहता है वो तो नेचुरली हीट कहाँ से पैदा करें? हम जॉगिंग करके हीट पैदा कर सकते हैं, हम वर्कआउट करके हीट पैदा कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज करके, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स पी के हम हीट पैदा नहीं कर सकते, या जंक फूड खा के हम लोग नहीं कर सकते। जंक फूड के बारे में जैसे मैं बता रहा था, तो मैं जंक फूड जो है पूरी तरह से अवॉइड करता हूँ। रेयर केस मुझे अगर बहुत इमरजेंसी है, मरने मारने की बात आ जाती, तभी मैं जंक फूड जो है उसका सेवन करता हूँ, जहाँ तक हो सके मैं अवॉइड करता हूँ। घर का शुद्ध खाना खाता हूँ मैं और सिंपल खाना खाता हूँ, जैसे स्प्राउट्स हो गए और आप जैसे सिंगी बोलते हैं, जैसे जो आयरन में बहुत आयरन कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा है, बीट्स वगैरह हो गए, सलाद हो गए और फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ों का सेवन करने से आपका जो बॉडी है एकदम फिट रहेगा और आपके बाल भी फिट रहेंगे। आपकी बालों की जो समस्या है मेनली स्टार्ट होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी के कारण, जिसके कारण एक हार्मोन बनता है आपके बॉडी में जो कि सर पे जाके आपकी जो सप्लाई है उसको ब्लॉक कर देता है। तो अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं जो कि प्रेजेंट है चिया सीड में और अलसी सीड में, और नॉनवेज खाते हैं, अगर आप फ़िश खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फ़िश में बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और एग्स वगैरह खाते हैं तो उसमें भी काफ़ी मात्रा में आपको मिल जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इस प्रकार से अपने आपको फिट रख सकते हैं, आपके बालों को आप फिट रख सकते हैं। तो आप अपना जितना सावधानी रखेंगे, अपने बॉडी को जितना टाइम देंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। जी मोनिका, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच गाइस। वेलकम टू माय चैनल बिग्बी हेयर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका होस्ट डीजे जॉनी। आज हमारे साथ आए हैं मिस्टर चंद्र हरचंदानी, और बालों की समस्या के बारे में और सऊदी अरबिया के लोगों के बारे में कुछ बात करेंगे। जी सर, आप बताइए। बिग बी हेयर सॉल्यूशन का काफ़ी अच्छा नाम है और यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है हमारे उल्लासनगर में, और आगे सऊदी अरब में भी उनका बहुत अच्छा सक्सेस जाएगा। बालों के बारे में उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और आगे भी काफ़ी अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये हमारी उनके साथ सपोर्ट।
हाँ, तो हम भी पहन जी बताओ भाई, हम तिरुपति बालाजी करे तो हम भी जाते हैं हर साल तिरुपति बालाजी। इसके लिए हम हेयर के लिए नहीं लगाते हैं विग, देखें विग का हर साल 6 महीने 3 महीने में जाते हैं बालाजी, तो इसकी वजह से क्या है कि इनको हेयर पैच अगर लगाते हैं हाँ तो बाल कटवाने की प्रॉब्लम आ जाती है। इस एज भी काफ़ी हो गई है और सेंड सजन जैसे बोलते हैं हाँ वाले हैं, इसके लिए हम लोग कन्फ्यूजन में है कन्फ्यूजन। लेकिन मेरा ऐसा कहना था कि आपके घर में कभी भी शादी वगैरह होती है पक्का तो आप एक दिन के लिए अपना लुक चेंज किया कीजिए, पक्का तो पक्का आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसकी कोई चार्ज नहीं रहेगी। वेरी गुड, हम लोग करते हैं वेरी गुड, लोगों को खुशी देने के लिए और उनका एक अच्छा लुक आए, उनका एक कुछ काम हो इसके लिए भी हम काम करते हैं। वेरी गुड, और आपके घर में कभी भी कोई फंक्शन हो आप आइए, आपके लिए टोटल फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। ओके, सीनियर सिटीजन की लिस्ट में हम आपको टोटल फ्री देंगे। ऑल रेडी, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिग बी हेयर सॉल्यूशन, कम दाम अच्छा काम। ओके थैंक यू। बिग बी हेयर सॉल्यूशन, कम दाम अच्छा काम।